भाभी मंडे वीडियो जाना है, वीडियो ना रेडी है ना कुछ है? मंडे में जाना है कल तो अभी कर लेते हैं। तो हम करने वाले हैं कैंपिंग की तैयारी। मैं जाता हूँ झूला जलवाने, मेरा इंट्रो खराब कर दिया। तो हम करने वाले हैं कैंपिंग की तैयारी और इसी के साथ हम ला रहे हैं आपके लिए ये कैंपिंग का वीडियो, वो भी अपने घर के अंदर से। ये देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और चूल्हा देखें। चलो। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने सारे लोग कैसे, तो गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार हम 30% लोग ही इस ऑफिस में हैं और इन लोगों को हमने ऑफिस तो बुलाया लेकिन भेजा नहीं, फंसा लिया। हाँ, तो जैसे कि आपको पता था कि आने जाने में रिस्क ज्यादा है तो इनको हमने यही ठहरा लिया है। चलो। यहाँ पे हांडी में भी मिट्टी लगा दी है जिससे कि हांडी काली हो तो साफ से धुल जाए। और चूल्हा जलाने के लिए जो लकड़ी लेते हैं ना, वो सूखी लकड़ी होनी चाहिए, यानी कि अगर आप लकड़ी को तोड़े तो उससे टक आवाज आए। और सूखी लकड़ियों से आग जलाना तो बहुत ही आसान होता है। चिकन कट चुका है और मैरिनेशन के लिए तैयार है। इसको मैं मैरिनेट करूंगी हैंग कर जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक और हल्दी। और आजकल ना चिकन भी सैनिटाइजेशन मांगता है तो चिकन को हल्दी से कर दिया क्योंकि हल्दी होती है एंटीबायोटिक। और यहाँ पे मैंने निकाला है पोटली, तो ये बिल्कुल हैंग कर्ड है। वाह क्या सीन लग रहा है यहाँ, चूल्हा, मिट्टी के बर्तन, बिल्कुल अपने गांव की याद आ गई। और अगर आपको भी अपने गांव की याद आ गई है तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल कुक विद निशा को जरूर सब्सक्राइब करना। थोड़ी अभी बस, अब मैं इसे ढक के रख देती हूँ। काम कराने के लिए यहाँ पे दो चार लोग हैं और अभी खाने के टाइम देखना कितनी जनता आने वाली है। और ये सब जनता ना यहीं रह रही है क्योंकि लॉकडाउन में हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। ऑफिस का स्टाफ जो यहीं पे रह रहा है वही काम कर रहा है। प्याज कट गई है, टमाटर और सरसों के तेल में बनाऊंगी आज मैं ये चिकन। सरसों के तेल में मस्त बनता है चिकन। धनिया, लहसुन, अदरक सब तैयार है तो चिकन बनेगा बेहतरीन। सेटअप हो गया है तैयार। और हाँ, इसी से मुझे याद आया कि जरा मेरे टिकटॉक पे फॉलोअर्स के लिए को तो बताओ कि क्या भी, मेरा तो खुद ही नया आया है टिकटॉक, पता नहीं लोग फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे यार। इसको भी कर लेना और मुझे भी फॉलो कर लेना, कुक विद निशा का टिकटॉक आ गया है तो जाओ देखो और फॉलो करो। मेरा भी आने वाला है, मुझे भी फॉलो करो प्लीज। और आपको पता है मैंने बहुत रेसिपीज आज देखी, रेसिपी देख के मुझे जो चिकन मोमोज की याद आई ना, घर पे हम बना तो सकते हैं लेकिन अपने हाथ का बनाया हुआ इतना मजा नहीं आता। तो मुझे रेसिपीज देख के इतना मुंह लबलबा रहा था तो हमने इस कैंप की तैयारी के लिए सोचा तो थोड़ा सा रिश्तेदारों को चिढ़ाया जाए कि हम कितनी पार्टी कर रहे हैं। क्या हाल चाल? मांटी मासी से बात कर रहा हूँ। नमस्ते नानी। नमस्ते, एक्सरसाइज कर रही है वो। और हम देखो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चूल्हे पे चिकन की तैयारी हो रही है। हेलो सुनिए, हम पार्टी की तैयारी कर रहे हैं, आज शाम को कैंपिंग हो रही है यहाँ पे।
ये आलू की सब्जी है जो बनी है वेजिटेरियन लोगों के लिए। आलू की सब्जी को धीमे पकाने के लिए हमने कोयले के ऊपर रख दिया है और अब हांडी में बनाएंगे हम चिकन। तो जिसके लिए मैंने डाला है सरसों का तेल और इसमें डाला है खड़ा मसाला। खड़ा मसाला होने के बाद इसमें डालेंगे प्याज और मसाला और बनाएंगे अपने चिकन को। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं, मैं इसकी रेसिपी आपके साथ फुल डिटेल्ड वीडियो में जरूर शेयर करूंगी। और यही नहीं बन रहा, देखते हैं हमारे विक्की बाबू किचन में क्या कर रहे हैं। देखो कुक विद निशा का जो चैनल है इसलिए बेहतर है क्योंकि हम जैसे लड़के भी कुकिंग करना सीख जाते हैं। ये देखो ये इतना बेहतरीन शेफ स्टाइल। तो अंडे भी हो गए हैं, बाहर पार्टी की तैयारी हो गई है, चलिए कुक विद निशा के पास चलते हैं लेके। जो हमारे घर के बॉयज हैं उनको भी पार्टी करना तो बनता ही है और बॉयज की पार्टी इस चीज के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपके घर में भी ऐसा है तो ये भी मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपकी पार्टी में ये चीज होती है या नहीं। तो लॉकडाउन में अपने मूड को थोड़ा सा अपलिफ्ट करने के लिए ये पार्टी का जश्न हुआ। लॉकडाउन सेलिब्रेशन। तो यहाँ पे पार्टी चल रही है और बाकी जनता सेल्फी ले रही है। अब डलेगा ये चिकन जो 2 घंटे से हो गया मैरिनेट। प्याज हो गई है मजेदार। बस अब चिकन को मैं प्याज में थोड़ा पकाऊंगी और थोड़ा सा गल जाएगा ये तो मसाला डाल दूंगी। गर्मी में पसीना भी आ रहा है और धुआं भी आ रहा है लेकिन इतना मजा आ रहा है कैंपिंग में कि आप जानेंगे नहीं कि ये लॉकडाउन की वजह से हम कितना फन कर रहे हैं। और फैमिली साथ है तो बस आपको एंजॉय करना आना चाहिए चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। ये क्या पी रहे हो या क्या कर रहे हो? ये पी रहे हैं। इनका मानना ये है कि ये भारत की अर्थव्यवस्था में हेल्प करा रहे हैं। ऐसे ही बोलते हैं ना, अर्थव्यवस्था। खाली गिलास को सामने रख के कुछ हो रहा है। ये अंडे विक्की के हैं। और इसको लॉकडाउन में डिप्रेशन हो रहा था, अपनी डिप्रेशन का कारण बताएंगे हम। घर पे रह रहे के आप डिप्रेस थे? हाँ, पर यहाँ जैसे ही मुझे बोतलें खुली ना ऐसा डिप्रेशन दूर हुआ ना। यार कार तो का बीवी देखती है भैया बहुत मारेगी। ये तो रहने दो। और ये बेचारा तो 1.5-2 महीने से ये तो लॉकडाउन है। ये सच में लॉकडाउन है। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा ये अपने घर को पलायन करेंगे। अरे यार ये मैं डलिया लेके आई हूँ, इसमें देख मैं क्या करती हूँ। इसको करो। इधर जो भी फोन रखो। जीतू फोन रख। हाँ आ गए भाभी, अपन आप क्या करना है? फोनों को मैं आग लगाऊंगी, रखो इधर। अच्छा फोन जब तो रहे हैं भाई। तो ये सब मैंने जब्त कर लिया और अब मिलेंगे पार्टी के बाद। वैसे मुझे पता है ये मानेंगे नहीं, थोड़ी देर में ले लेंगे लेकिन 10 मिनट के लिए मैं ले ही जाती हूँ। तो पार्टी ज्यादा ही सुरूर पे हो गई थी और अब हम रात के 10:30-11 हो गए, तो बस सब खाना की तैयारी कर रहे हैं। और ये हमारा चिकन पक चुका है, अच्छे से गल चुका है। भगवान के नाम पे दे दे बाबा पार्टी भाभी। हाँ तो कर लिया मैंने सारा काम रैप अप और मैंने आपसे बोला था ना बनाते टाइम तो कोई नहीं आ रहा। जहाँ बस रैप अप आउट्रो कर ही रहे थे और इतने में क्या हो गया,
ऐसे करती हूँ। और हाँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करना, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।